गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 16, गार्बेज इन गार्बेज आउट. तो यहाँ पे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या दिया है. ओके, सो पेज नंबर 155 पे आपको दिया है टेक्स्ट बुक में. सो वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेस. जहाँ पे भी घर है, ऑफिस है, शॉप है, या फिर कोई स्कूल है, जहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा अगर पब्लिक है, पीपल है, तो क्या होगा, कचरा भी उतना ज़्यादा ही रहेगा. तो जनरली आपके होम में भी आप डेली टू डेली लाइफ में देखते होंगे कि कचरा बहुत ज़्यादा निकलता है. ओके, तो हर एक जगह पे कचरा क्या है, एवरी डे थ्रो होता है. सो द ग्रेन पल्सिस, बिस्किट, मिल्क और ऑयल परचेस इन शॉप. जो आप बाहर से खाना लाते हो, जैसे कि बिस्किट्स लाते हो, मिल्क लाते हो, या फिर वेफर पैकेट्स लाते हो, जो जनरली वो किस में आता है, प्लास्टिक बैग में आता है. ओके, सो वो फूड खा के आप प्लास्टिक बैग को क्या करते हो, गार्बेज में, मतलब कि गार्बेज जो है, वो कचरा जो है, उसे आप फेंकते हो. ओके, तो ऑल दिस रैपिंग मटेरियल गो आउट एज अ गार्बेज. ये सब जो रैपिंग मटेरियल है वो भी गार्बेज में ही जाता है. ओके, वी समटाइम्स बाई थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एज ऑफन थ्रो इन टू अ गार्बेज. जो चीज़ हमने ली है, अगर उसका ज़्यादा यूज़ नहीं आया है, अगर हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, तो उसे हम थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं. ओके, वी जनरेट सो मच गार्बेज इन अवर डे टू डे एक्टिविटीज. वी ऑफन थ्रो ग्राउंडनट सेल ऑन पब्लिक प्लेसेस इन बसेस और ट्रेन. ग्राउंडनट जो होते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, सेल, जो ऊपर का कवर है, वो अंदर का आप खा जाते हो, और बाहर का जो कवरिंग है, उसे जनरली आप फेंक देते हो यहाँ वहाँ. तो यहाँ वहाँ फेंकने से अच्छा है कि यू यूज द डस्टबिन. ओके, सो जनरली क्या होगा, इससे कचरा कम फैलेगा. और एक प्रॉपर वे है कि आप कोई भी अगर मटेरियल हो, कोई भी गार्बेज हो, तो आप उसे डस्टबिन में डालो. ओके, ये हैबिट आपको होनी चाहिए. अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन. इफ़ वी मेक मिस्टेक और स्पिल इंक और इन आवर नोटबुक, वी टीयर ऑफ एंड द सीट इज थ्रो इट अवे. जनरली क्या होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनको पेंसिल शार्प करने में बड़ा मजा आता है, तो जनरली शार्प ही करते रहते हैं, तो उससे भी कचरा फैलता है. और उनको इतना नॉलेज नहीं होता, वो इतने मैच्योर नहीं होते कि उनको ऐसा पहले से अगर सिखाया है आपने कि उसको डस्टबिन में ही डालना है, तो वो तब से वही सीखेगा. अगर आपने उसे रोका नहीं उधर उधर डालने से, तो उसकी हैबिट बन जाएगी कि वो इधर उधर ही कचरा फेंकेगा. ओके, फिर अगर हम बड़े हो गए, अगर हमारी पेपर पे या पेपर जो हम लिख रहे हैं उस पर इंक गिर गई, ओके, तो आप क्या करते हो, जनरली वो पेपर को थ्रो कर देते हो. ओके, सो एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज अ ब्रोकन टॉयस, ओल्ड क्लोथ, शूज एंड स्लीपर. अगर आपके क्लोथ्स जो है वो ओल्ड हो गए हैं, स्लीपर आपकी टूट गई है या ओल्ड हो गई है, उसके बाद आपके जो टॉयस होते हैं वो टूट गए हैं, तो जनरली आप उसे गार्बेज में ही फेंकते हो. ओके, वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम अवर होम्स एंड सराउंडिंग. अगर हमारे होम या फिर हमारे अराउंड का जो एरिया है, वहाँ से गार्बेज ना हटाया जाए, रिमूव ना किया जाए, साफ ना किया जाए, तो क्या होगा. हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस. क्या ये आपको हार्म कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हार्म कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता. ओके, व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बीन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट. जब भी सफाई कर्मचारी आते हैं और आपके घर पे कचरा लेके जाते हैं, तो उसके बाद कचरा कहाँ जाता है और क्या आगे प्रोसेस क्या होता है, वो आपको पूछा है. इट इज़ पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज इन टू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस. शायद ऐसा हो कि ये जो सारा गार्बेज है, उसे किस और कोई और फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो आपको हार्म ना करे. ओके, कैन वी कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दिस इन एनी वे. वी विल लुक फॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, उसके बाद आपको एक दिया है, स्टेप टूवर्ड्स क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस के तरफ एक कदम आपका, मतलब कि यहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने ये जो स्वच्छ भारत मिशन है वो 2019 में लॉन्च किया था. ओके, तो एवरी गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ये वाला स्वच्छ भारत मिशन फुलफिल किया जाता है, जनरली अप्लाई किया जाता है. ओके, तो हर एक 2 अक्टूबर को क्लीनलीनेस वाला मिशन जो है वो करते हैं, लोग सफाई करते हैं. अगर कोई कॉलेज हो तो वहाँ पे 2 अक्टूबर को डिपार्टमेंट क्लीन करेंगे, उसके अराउंड का एरिया क्लीन करेंगे, वो सब मिशन 2 अक्टूबर को करते हैं. चिल्ड्रन फ्रॉम पहली एंड बोजोस
स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल डीलिंग विथ गार्बेज। यहाँ पे पहली एन बोजो ने क्या किया है, एक प्रोजेक्ट किया है गार्बेज के साथ, तो यहाँ पे उसका नाम क्या है, डीलिंग विथ गार्बेज। तो यहाँ पे हम उसी प्रोजेक्ट में क्या किया उसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। सो डीलिंग विथ गार्बेज, सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट अ लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड अ लैंडफिल। जनरली आपके घर से जो भी कचरा लेके जाते हैं तो जनरली वो कहाँ पे जाता है, वो सब ट्रक में कैरी करते हैं, उसके बाद उस ट्रक को एक ऐसे लाइंग ओपन एरिया में ले जाते हैं जिसे हम बोलेंगे लैंडफिल, जहाँ पे हर एरिया से कचरा के वहाँ पे क्या होगा, इकट्ठा होगा। देर आर पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रिफ्यूज इज सेपरेट आउट फ्रॉम वन दैट कैन नॉट बी यूज एज सच। There are part of the garbage that can be reused is separate out from the one that cannot be used as such। यहाँ पे क्या होगा, कचरा तो सब क्या होगा, मिक्स होगा, ओके। तो वहाँ पे जाके क्या होगा, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो यूज़फुल है वापस से यूज़ हो सकता है ऐसा जो वेस्ट है उसे क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और जो यूज़फुल नहीं है उसे अलग कर देंगे, ओके। दस द गार्बेज हैज बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कम्पोनेंट। गार्बेज में तो एक यूजफुल कम्पोनेंट भी होगा, नॉन यूज कम्पोनेंट भी होगा। द नॉन यूजफुल कम्पोनेंट इज सेपरेट आउट, इट इज देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल। यहाँ पे क्या होगा, जो नॉन यूजफुल कम्पोनेंट है उसे क्या करेंगे, अलग कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे। इट इज देन स्प्रेड ओवर द, उसको उसके बाद क्या करेंगे, लैंडफिल का जो एरिया है वहाँ पे स्प्रेड कर देंगे एंड देन कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर सॉइल का लेयर यानी कि उसके ऊपर मिट्टी डाल लेंगे, ओके। सो वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, जब लैंडफिल कम्प्लीटली फुल हो जाए, इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू पार्क और अ प्ले ग्राउंड। क्या करेंगे, लैंडफिल जब कम्प्लीट हो जाए तो उसको पार्क या फिर कन्वर्टेड इनटू पार्क और अ प्ले ग्राउंड, या फिर पार्क में उसको लैंडफिल को यूज़ करेंगे, ओके। फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स सो द नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। 20 ईयर्स तक उसके ऊपर आप कोई बिल्डिंग्स नहीं बना सकते। टू डील विद द सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरिया डेवलप नियर द लैंडफिल। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट, अब जो यूजफुल कंपोनेंट है उसे डील करने के लिए क्या करेंगे, उसके अराउंड में ऐसे डेवलप एरिया लैंडफिल जो आपका है उसके अराउंड में ऐसे एरिया बनाएंगे जहाँ पे ये जो आपका मटेरियल है यूजफुल उसको कंपोस्ट किया जाए। तो व्हाट इज़ द कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इन फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे आपको दिया है कि कंपोस्ट क्या होता है, ओके। तो जनरली यहाँ पे क्या दिया है, आपके हाउस से क्या करना है, आपको डस्टबिन में जो भी कचरा डाला है वो आपको टू ग्रुप में उसे डिवाइड करना है। वन ग्रुप में गार्बेज फ्रॉम द किचन, किचन से जो भी गार्बेज आया है लाइक फ्रूट वेजिटेबल पील्स एग्स एल वेस्ट फूड टी लीव्स इंक्लूड न्यूज़पेपर ड्राई लीव्स पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। उसके बाद ग्रुप टू यानी कि पीस ऑफ क्लोथ, दो ग्रुप बनाने हैं, एक में आपको किचन का जो आपका गार्बेज है वो इकट्ठा करना है, उसके बाद सेकंड ग्रुप में क्लोथ के जो पीसेस है या फिर पॉलीथीन बैग्स है, ब्रोकन ग्लासेस है, एल्यूमिनियम रैप है, नेल्स है, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज, ओके। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू टू सेपरेट हिप्स। हिप्स का मतलब कि ढेर होना, मतलब कि जनरली गुजराती में बोलते हैं उसे ढगलो, ढगलो कहवाई ने ए अने सो अन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दोनों कंपाउंड को सेपरेट करना है, दोनों यूजफुल एंड नॉन यूजफुल, या फिर यहाँ पे दो ग्रुप दिए हैं तो दोनों ग्रुप के आपको हिप बनाने हैं, ओके। लेबल देम एस ए बी सी डी एंड पुट वन हिप फ्रॉम ग्रुप वन एंड वन हिप फ्रॉम ग्रुप टू इन टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। टाई द माउथ ऑफ दिस टू बैग्स टाइटली, पुल ऑल द फोर हिप्स इन सेपरेट पीस एंड कवर देम विद सॉइल and can also use four pots to bury them garbage heap. Remove the soil after 4 days and observe the change in the garbage. A black color and no foul smell indicate that rotting of garbage is complete. Put the heap again in the pits and cover with the soil. Observe again after every 2 days and note the observation suggested here. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दो आपने यहाँ पे फोर क्या बनाए हैं, टू टू हिप बनाए हैं, मतलब कि फोर हुए आपके ग्रुप टोटल। उसको फिर क्या करना है, डिप कर देना है सॉइल के अंदर, उसके बाद दो दो दिन के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा गार्बेज क्या हो रहा है,
कंपोज हो रहा है, कौन सा डिकम्पोज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में आपको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो एक्टिविटी आपको दी है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको दिया है इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशन डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दिस डाउन इन योर नोटबुक। सो इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रोड कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन विद द सॉइल वेयर यू सो एंड फेवरेट प्लांट, दिस कुड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू प्लांट। अगर आपके गार्बेज में क्या है, स्मेल नहीं करा है, अगर जो गार्बेज आपने सॉइल में क्या किया है, डीप किया है, अंदर डिग किया है, उसको क्या करना है, अगर वो स्मेल ना करे तो उसे क्या करना है, मिक्स कर देना है सॉइल के साथ और आपका जो कोई भी प्लांट हो उसके अराउंड में उसे प्रोवाइड कर दो। वो क्या करेगा, एक वो बोलते हैं ना फर्टिलाइजर जो होता है जनरली, हाँ फर्टिलाइज़र जो होता है उसकी तरह वो काम करेगा और वो प्लांट को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट सम थिंग्स इन द गार्बेज रोड दे फॉर्म मैन्यूअर विच इज़ यूज फॉर अ प्लांट। ये मैन्यूअर बनाने का जो प्लांट के लिए जनरली यूज होता है। द रोटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इन टू मैन्यूअर इज कंपोस्टिंग। यहाँ पे अंडरलाइन करना, द रोटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटीरियल इनटू मैन्यूअर। कुछ ऐसे मटीरियल्स क्या होना, कन्वर्जन होना, किसमें, मैन्यूअर में, उसे हम क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग बोलेंगे। ओके तो ये वाला अंडरलाइन करना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको आज दो डेफिनेशन लिखनी है, एक है लैंडफिल एंड सेकंड है कंपोस्टिंग। ओके ये दो डेफिनेशन आपको नोटबुक में लिखने हैं। ओके थैंक यू एवरीवन।